बेसिकली आज की हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं होम मेनू बार। हमने लास्ट क्लास में फाइल के बारे में पढ़ लिया था, हमने सिलेक्शन के बारे में पढ़ा, हमने कैलकुलेशन के बारे में पढ़ा। अब हम बात कर रहे जी हैं जी मेनू के हिसाब से चलेंगे, और मेनू में हम सबसे पहला क्लिप बोर्ड मतलब कि कॉपी एंड पेस्ट आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो जी यहाँ एक एरिया है। अब इस एरिया में देखिए क्या है कि इसमें फॉर्मूला रैन बिटवीन का लगा हुआ है। रैन बिटवीन फॉर्मूला रैंडम नंबर देने के लिए यूज किया जाता है। लगता कैसे है, आप इक्वल रैन बिटवीन को सेलेक्ट कर लें, टैब प्रेस करें आ जाएगा, और यहाँ पे 1090। अब ये नंबर कुछ भी हो सकता है, मतलब कि मिनिमम और मैक्सिमम। तो 10 से 90 अच्छा के बीच की कोई भी वैल्यू है वो ऑटोमेटिक आपको दे देगा, और जब भी कुछ एक्टिविटी करेंगे एक्सेल पे ये अपने आप को चेंज करेगा। देख रहा है, चेंज कर रहा है। अच्छा ठीक तो है ये फॉर्मूला में लगाया जो बार बार चेंज होगा तो इसको इग्नोर कीजिएगा। तो हम बात कर रहे हैं कॉपी पेस्ट की। देखिए एरिया को पहले आप माउस से जो भी सिलेक्शन करना है सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद इसको कीजिए कॉपी। कॉपी करने के बाद कहीं भी इसको आसानी से पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, भी। ये आपका पेस्ट होगा। तो पेस्ट होने से क्या होता है, जहां से कॉपी हुआ जहां पेस्ट हुआ, जैसा कॉपी हुआ ऐसा ही यहाँ पे पेस्ट होगा, सेम टू सेम। ठीक है सर। ठीक लेकिन है हमारे पेस्ट पास एक ऑप्शन होती है पेस्ट स्पेशल। क्या होती है, पेस्ट स्पेशल। ये सारे स्पेशल। आइकन्स पेस्ट स्पेशल के ही हैं, तो हम पेस्ट स्पेशल में आते हैं। तो पेस्ट स्पेशल में क्या होता है कि हमें ऑप्शन दिया जाता है कि जो एरिया हमने कॉपी किया है उसका एक पर्टिकुलर पार्ट ही पेस्ट करें, पूरा एरिया जैसा है वैसा नहीं पेस्ट करें, एक पर्टिकुलर पार्ट को पेस्ट पार्ट करें। है ठीक ठीक है। है तो यहां मैंने मान लीजिए फॉर्मूला सेलेक्ट कर लिया। क्या सेलेक्ट कर लिया, फॉर्मूला। फॉर्मूला फॉर्मूला। सेलेक्ट करके ओके किया तो देखिए फॉर्मूला पेस्ट हो गया। प्रणपा जी गुड मॉर्निंग, आज लेट हो गए आप। रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दिया, रिकॉर्ड स्टार्ट कर ले। अब कुछ लोग पूछते हैं कि यहां देखिए फॉर्मूला तो लगा है, यहां दिख रहा है फॉर्मूला लगा है, हाँ इक्वल लगा मतलब फॉर्मूला लगा, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बाकियों में फॉर्मूला रोल नंबर में नहीं है, नेम में नहीं, उसको क्यों पेस्ट किया। तो फॉर्मूला का मतलब ऐसा नहीं है कि जिस सेल में फॉर्मूला होगा उसी सेल को पेस्ट करेगा, जिसमें फॉर्मूला नहीं होगा वैल्यू होगी टेक्स्ट होगी उसको पेस्ट नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। ये अच्छा सर फॉर्मूला मेनू बार को पेस्ट करता है, जो फॉर्मूला मेनू बार में विजुअल है उसको पेस्ट करता है। क्या होता है कि कई बार दिखता कुछ अच्छा और है होता कुछ है। जैसे मैं 500 रुपये यहाँ 500 रुपये लिखा, और कस्टम फॉर्मेटिंग में जाके इन्वर्टेड कॉमा में हमने MRP और यहाँ पे 0 कर दिया, तो ये दिख रहा है 500। दिख रहा है सर MRP 500। लेकिन जब इसको कॉपी करके कहीं पे हम वैल्यू पेस्ट करेंगे तो क्या देख क्या आएगा, सिर्फ सिर्फ आएगा 500, फाइव MRP नहीं हंड्रेड आएगा। हाँ वैल्यू क्यों, क्योंकि ये दिख रहा है MRP 500, पर एक्चुअल में क्या है, है 500। 500। इसलिए वो एक्चुअल को पेश करेगा। तो इसलिए क्या होता है कि आपके टेक्स्ट को नन फॉर्मूला वाले फीचर्स को भी पेश करता है, क्योंकि जो फॉर्मूला वाले में विजिबल है वो सिर्फ उसी को पेस्ट करेगा। अब ये पूरी डेटा हमने यहाँ से सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ राइट क्लिक किया, और हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, एक और फीचर होता है वैल्यू। वैल्यू क्या करता है कि फॉर्मूला को रिमूव करके पेस्ट करता है, मतलब यहाँ कॉपी किया तो इसके अंदर फॉर्मूले वगैरह है उसको रिमूव कर देगा, नॉर्मल वैल्यू को पेस्ट करेगा। किसको पेस्ट करेगा, अच्छा नॉर्मल वैल्यू वैल्यू। जस्ट वैल्यू ठीक जी हाँ, देखिए नॉर्मल वैल्यू आ गया। है अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट किया था, फॉर्मूला आ गया, अब मुझे फॉर्मूले को क्या करना है, रिप्लेस करना है। फॉर्मूले क्या करना है, रिप्लेस रिप्लेस करना है। अब मैं इसको कॉपी किया, इसी के ऊपर हमने लगाया पेस्ट स्पेशल, और इस पेस्ट स्पेशल में यहाँ पे आ गया हमारे पास वैल। तो इसी के ऊपर हमने पेस्ट एज ए वैल्यू किया, तो इसका जो फॉर्मूला था इसके वैल्यू से रिप्लेस हो गया। देखिए यहां पे फॉर्मूला नहीं रहा, ये ना सर।
अब इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा करते हैं। अब अच्छा कैसे करते हैं, चलिए इसके लिए हम आपको एक रिपोर्ट ओपन करते हैं। अब देखिए जो ऑफिस में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे एक सीट पे डेटा रखते हैं और दूसरे शीट पे हम डैशबोर्ड बनाते हैं ताकि इससे हम कैलकुलेट कर सके। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या है कि मेरे इस फॉर्मूले से लिंक, अब प्रॉब्लम है कि अगर डैशबोर्ड मुझे किसी को सिर्फ भेजना है तो कैसे भेजे, तो आप एक पर्टिकुलर शीट को कॉपी कैसे करेंगे, तो कुछ लोग क्या करते हैं पूरे को कॉपी करके पेस्ट करते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी कि कॉपी पेस्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, शीट के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, मूव एंड कॉपी, क्रिएट कॉपी, और ऊपर में जाके हम न्यू वर्क को सिलेक्ट करके और फिर ओके कर देते हैं। ऐसा करते ही पूरी की पूरी शीट कॉपी हो जाती है, लेकिन अभी भी ये मेरा लिंक है उस पर्टिकुलर फाइल से, अब मेरे सिस्टम पे चल रहा है, आपके सिस्टम पे नहीं चलेगा, क्योंकि आपके सिस्टम पे ये फाइल तो है नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि फॉर्मूला रिमूव हो जाए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरा फॉर्मूला कहीं कहीं लगा है, बीच में बहुत सारे चार्ट्स भी है, कुछ ग्राफिक्स भी है, तो मैं चाहता हूं कि मैं वन बाय वन कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहता, एक इसको कॉपी किया पेस्ट किया, इसको कॉपी किया पेस्ट किया, इसको कॉपी किया पेस्ट किया, ऐसा नहीं करना चाहता, और न ही मेरी अपने डिजाइन अपने फॉर्मेट में थोड़ा भी चेंजिंग चाहता हूँ। तो क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए जस्ट हम इस पूरी सीट को सिलेक्ट करेंगे, वन और ए के बीच में जो ट्रायंगल है उस पे हम क्लिक करेंगे या दो बार कंट्रोल ए कर देंगे, पूरी सीट सिलेक्ट हो जाएगी, फिर इसको हम कॉपी करेंगे और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में हम कर देंगे वैल्यूज एंड ओके कर देंगे, तो देखेंगे कि आपका बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ, जहां जहां फॉर्मूला था वो उसकी वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। ठीक है सर, अच्छा, ये बेसिकली सर मतलब ये कह रहे हो कि अगर हमने सपोज कोई भी डाटा, ये हमने कोई भी जब आप पूरी सीट को पूरी सीट हाँ एरिया कॉपी एंड पेस्ट करते हैं तो उसकी फॉर्मूला वैल्यू पेस्ट होती है, उसके ग्राफिक पिक्चर वगैरह पे कोई उसका, क्योंकि हम वैल्यू ही कर रहे हैं ना, ग्राफिक थोड़ी कर रहे हैं, कॉपी तो पूरा किया उसने, लेकिन पेस्ट सिर्फ वैल्यू को किया, बाकी चीजों को पेस्ट नहीं किया। ठीक है सर, मनोपाल जी समझ में आ गया आपको? चलिए, पेस्ट एज वैल्यू का इस्तेमाल हम करते हैं, पेस्ट एज वैल्यू के बाद, हाँ पेस्ट एज वैल्यू के बाद कुछ और फीचर से जानते हैं। पेस्ट एज ए फॉर्मेट, जो इसकी फॉर्मेटिंग है, हम पेस्ट स्पेशल में हम सिर्फ उसकी फॉर्मेटिंग को पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ देखिए पेस्ट एज ए फॉर्मेट, हम जस्ट इसकी फॉर्मेटिंग को पेस्ट कर सकते हैं। फिर आता है राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में हमने यहाँ पे ऑल एस्पेक्ट बॉर्डर दिख रहा होगा, या कमेंट नोट्स है। कमेंट नोट्स क्या होता है कि किसी भी ही सेल पे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालना, जैसे कि माउस जाते ही दिखे तो हम कमेंट्स करते हैं। राइट क्लिक फॉर्मेट सेल, माफ कीजिएगा फॉर्मेट सेल गलती से क्लिक कर दिए, ये रहा न्यू कमेंट, न्यू कमेंट, और यहाँ पे मैंने कमेंट डाल दिया कि दिस इज फाइनल मार्च। ठीक है, अब जैसे इस पे हम कर्सर ले जाएंगे, दिख रहा है आपको, दिखेगा कर्सर हटा देंगे, नहीं दिखेगा, तो मैं चाहता हूं कि इसको कॉपी कर बाकी जगहों पे राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और यहां हमने कर दिया कमेंट एंड नोट्स, क्या किया कमेंट्स एंड कमेंट एंड नोट्स, ओके करेंगे तो सिर्फ नोट्स आएगा, बाकी डेटा नहीं आएगा। उसी तरह से मुझे सब कुछ चाहिए पर बॉर्डर नहीं चाहिए, तो ऑल एस्पेक्ट हमने बॉर्डर कर दिया।
अच्छा एक चीज और जान लीजिए, अभी आपने जो मेरा रिपोर्ट देखा था उसमें मैंने क्या किया था, कॉलम को छोटा बड़ा कर रखा था, क्यों? उसके हिसाब से एडजस्ट कर दिया था ताकि जो डेटा जितना जितना एरिया में दिखना चाहिए उतना दिखेगा, ताकि हमारे एक व्यू में बहुत सारी चीजें दिख सके। ठीक है, तो यहां हमने इसको कॉपी किया और किसी और शीट पे जाके हमने इसको पेस्ट कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं क्या हुआ, साइज चेंज हो गया। तो जब भी आप कॉपी करते हैं कॉलम की विड्थ पेस्ट नहीं होती है, तो आपको कॉलम की विड्थ मैनुअल पेस्ट करना होगा। तो पेस्ट स्पेशल में ए हम कॉलम विड्थ पे क्लिक करते हैं तो कॉलम की विड्थ पेस्ट होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, पेस्ट स्पेशल कॉलम विड्थ कॉलम की विड्थ पेस्ट करती है, डेटा नहीं। डेटा आपको नॉर्मली दोबारा पेस्ट करना होगा, या फिर आपके पास लेटेस्ट एक्सेल है तो ये आइकन्स देखे ना आपने, इस आइकन में ए वाला आइकन दिख रहा होगा, कीप सोर्स कॉलम विड्थ, तो वहां पे दोनों आएगा। अदरवाइज पहले पेस्ट कर लीजिए फिर कॉलम विड्थ, या कॉलम विड्थ फिर पेस्ट कर लीजिए। अब हम डेटा में थोड़ा सा डेट भी रखते हैं। आप लोग जो डेटा लेते हैं तो डेट एंड टाइम ऐसी चीज भी होता है, तो फिलहाल मैं डेट रखता हूं, ठीक है, और ये अक्टूबर का डेट हमने डाला हुआ है। अब इसको भी फॉर्मेट कर दिया मैंने। अब मैं इसको कॉपी करके किसी और जगह पे पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए वैल्यू करते हैं। 1, 2, 3 लिखा है, इससे भी पेस्ट एज ए वैल्यू हो जाता है, ठीक है, पेस्ट एज ए वैल्यू हो गया। अब प्रॉब्लम आ रही है कि नंबर क्या है, ये किस तरह का नंबर है, क्या कोई कोड है या कुछ और है? नहीं सर, ये आपने बताया था ये नंबर ऑफ डेज होता है। जी हाँ, ये नंबर ऑफ डेज है। कहाँ से? जब कंप्यूटर कैलेंडर स्टार्ट हुआ तब से। कंप्यूटर कैलेंडर स्टार्ट कब हुआ था? 1/1/1900, ठीक है। जब 1/1/1900 का डेट अगर आप डालते हैं और उसको करते हैं जनरल फॉर्मेट, तो आप देखेंगे 1 आएगा। 1 आया, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए मैं यहाँ पे 36 डालता हूँ, तो देखिए महीना चेंज हो गया, फरवरी आ गया, 368 हमने कर दिया, तो देखिए ईयर चेंज हो गया। उसी तरह से 44/835 लिखा तो दिन। ये तो हमने समझ लिए कि हम जो डेट डालते हैं वो बेसिकली नंबर ऑफ डेज में स्टोर होता है, और डेट का फॉर्मेट वो 31, 30, 29 के बाद महीना और 365 के बाद साल को चेंज करके हमें शो करता है, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे एक और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा किया क्यों। देखिए सिंपल सी बात है, किसी भी नंबर पे अगर हमने टेक्स्ट ऐड कर दिया तो इस पे हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करते हैं। फिर डेट पे कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि डेट भी तो कैरेक्टर है। तो मैंने बताया था कि हर डेटा के दो पार्ट होते हैं, विजुअल और ओरिजिनल। तो 1 अक्टूबर जो है विजुअल है, एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में हमारा है 44835, और रिजल्ट भी क्या आया, 44685। समझ गए? जब इसके ऊपर हम डेट का फॉर्मेट अप्लाई करते हैं तो 30 के बाद महीना, 365 के बाद साल चेंज करके एक डेट की तरह दिखा देता है, ठीक है, समझ गए? जी। अब क्वेश्चन यहां पे आता है कि जब हम पेस्ट एज वैल्यू करते हैं ना, तो रिमूव ऑल फॉर्मेट्स है, तो डेट भी एक तरह का फॉर्मेट है ना, इसलिए रिमूव कर देता है। तो पेस्ट स्पेशल करते समय हमें डेट का फॉर्मेट, टाइम का फॉर्मेट, कुछ नंबर फॉर्मेट को रखना है, तो आप फॉर्मूला के जगह, जो फॉर्मूला सेलेक्ट करते हैं इसके जगह पे फॉर्मूला एज ए नंबर फॉर्मेट, और वैल्यू सेलेक्ट करते हैं तो वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट को सेलेक्ट करें, और फिर यहाँ पे ओके करें। तो आपका बाकी फॉर्मेटिंग नहीं आएगा, जैसे कि आपका जो डॉलर का साइन, आपका जो कलर होगा, बॉर्डर होगा, और भी जो चीजें होगी वो नहीं आएगा, लेकिन जो नंबर की फॉर्मेटिंग है, मतलब ये जो फॉर्मेटिंग होता है, ये पूरा फॉर्मेटिंग आएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया।
जी अब एक चीज और जानते हैं कि अब यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 30। जब मैं 20 को कॉपी करके 30 के ऊपर पेस्ट करता हूँ तो 30 20 से रिप्लेस हो जाता है सर। हाँ जी लेकिन हम, हाँ जब हम पेस्ट स्पेशल में ऑपरेशन में जाके कैलकुलेशन सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि हमने ऐड सेलेक्ट किया, तो 30 और 20 के बीच में क्या होता है? एडिशन एडिशन हो होगा जाता है, और छुट्टी हो रिजल्ट जाती 50 सेव हो जाएगा। और पेस्ट स्पेशल में अगर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। है, तो यहाँ पे आज हम क्लास को खत्म करते हैं। आप बोलेंगे सर क्लास आपने बड़ी जल्दी 25 मिनट में खत्म कर दी। जी हाँ, टॉपिक है, टॉपिक के अनुसार हम चल रहे हैं। अब यहाँ पे आती है थोड़ी सी रिसर्च, इसके लिए हमें रुकना होगा ताकि हम सेकेंड टॉपिक एडवांस कंडीशन, एडवांस पेस्ट स्पेशल को परफॉर्म कर सके। तो इसमें क्या है, आपको क्या रिसर्च है कि ये जो फीचर बताया पेस्ट स्पेशल में ऑपरेशंस का, इस ऑपरेशंस को आपको एक यूज बताना है कि सर ऑफिस में हम इस तरह से इसका यूज करेंगे तो इस तरह से बेनिफिट होगा। एक सोचना है, रिसर्च करना है और मुझे भेजना है।